नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। बिल्हौर थाना क्षेत्र के छोटी बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक काफी पुराना नीम का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से बाजार में आए लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पेड़ गिरने से कई वाहन व दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि बिल्हौर में छोटी बाजार लगती है जिसमें आसपास के लोग खरीदारी करने आते हैं। बाजार में लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीदते रहते हैं। उसी दौरान बाजार में लगा काफी पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर पड़ा जिससे लोगों में भगदड़ मच गई। फिलहाल इस आपदा में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, केवल कुछ दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। बीसीएन न्यूज के लिए विवेक मिश्रा की खास रिपोर्ट कानपुर से। कन्नौज रिहान ठाकुर इंदौर मित्र मंडल द्वारा यंग स्टार फुटबॉल क्लब कन्नौज के खिलाड़ियों को फुटबॉल की किट बांटी गई। कार्यक्रम में उपस्थित रिहान ठाकुर, इंदौर कमल, सोलंकी ब्लॉक समन्वयक खेल युवा कल्याण विभाग दुर्गेश पीपल, साजिद खान, बाबा गोपू यादव, हनी घावरी, अभिषेक चावरे, अभिषेक अहिरवार, अजय चावरे, अभिषेक चावरे, महेश गदले, रामपाल, अमन खान, पीयूष यादव, पुष्पेंद्र बकोर, राजू अहिरवार, यंग स्टार फुटबॉल क्लब के कप्तान एवं संचालक नरेंद्र धावरी, क्लब के प्रमुख रोहन घावरी ने रोहन ठाकुर मित्र मंडल, रिहान ठाकुर मित्र मंडल का आभार व्यक्त किया। बीसीएन न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय दुर्वे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। भागलपुर में लगातार हो रही शराब बरामदगी के बाद लोधीपुर थाना में जिलाधिकारी के निर्देश पर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद बाहर से बिहार की बाहर से शराब की खेप लाए जाते हैं जिसे प्रशासन के द्वारा जब्त भी कर लिया जाता है। शराब में 3 लीटर देसी व विदेशी शराब का उत्पाद विभाग मैजिस्ट्रेट सहित कई थानों की पुलिस के समक्ष शराब को नष्ट किया गया। शराब को नष्ट कर गड्ढे में बहा दिया गया। आज लोधीपुर एवं गोराडी थाने का लगभग 3000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। बीसीएन न्यूज के लिए भागलपुर से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी पुनिया द्वारा जन अधिकार छात्र परिषद के नेतृत्व में एसटीईटी परीक्षा पास हुए छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया गया। जन अधिकार पार्टी पूर्णिया द्वारा जन अधिकार छात्र परिषद के नेतृत्व में एसटीआई की परीक्षा पास हुए छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला दहन किया गया। इस पुतला दहन कार्यक्रम की अध्यक्षता जन अधिकार छात्र परिषद जिलाध्यक्ष सुमित यादव कर रहे थे। मौके पर जिलाध्यक्ष सुमित यादव ने कहा कि यह बहाली 2019 की है। सरकार की लचर व्यवस्था के कारण परीक्षा को दो बार स्थगित कर पुनः लिया गया जिसका परिणाम 12 मार्च 2021 को घोषित किया गया था जिसमें पास सभी छात्रों को शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि जितने पास अभ्यर्थी है सभी को नौकरी दी जाएगी, परंतु कुछ सेंटर पर कदाचार के कारण दोबारा परीक्षा ली गई जिसका परिणाम 21 जून को घोषित किया गया और मेरिट लिस्ट निकाला गया जिसमें बहुत धांधली की गई और शिक्षा मंत्री अपने वादे से भी फिसल रहे हैं। जन अधिकार छात्र परिषद मांग करती है कि जितने भी पास अभ्यर्थी है सरकार अपने वादे के अनुसार जल्द से जल्द सभी को नौकरी दे, नहीं तो छात्र के हक के लिए जन अधिकार पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगी। वही प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राजेश यादव ने कहा कि सरकार हर तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में अपने चरम पर धांधली करती है और किसी खास जाति के लोगों को मेरिट में चुना जाता है, चाहे कोई भी परीक्षा हो, एसटीईटी, टीईटी, दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य सभी में शिक्षा विभाग एवं मंत्री से संत्री तक इस खेल को अंजाम देते हैं। जन अधिकार पार्टी मांग करती है कि एसटीईटी परीक्षा धांधली की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर पुनः मेरिट प्रकाशित किए जाए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बबलू भगत, युवा अध्यक्ष अरुण यादव, अल्पसंख्यक अध्यक्ष डब्लू खान समेत अन्य लोग मौजूद थे। देखिए बिहार में स्थिति बनी हुई है, लगातार कोई भी एग्जाम होने के बाद बिहार सरकार, बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। एग्जाम में जो है कहीं ना कहीं धांधली होती है, खास समुदाय के लोग, सत्ताधारी पार्टी के जो वोटर हैं, जाति को देखते हुए उन्हें कहीं ना कहीं ये सरकार परिश्रय दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पटना में स्वास्थ्य विभाग में भी जिस तरह से एग्जाम में धांधली हुई, आज शिक्षा मंत्री के द्वारा जो एसटीईटी के एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया, उसमें भी कहीं ना कहीं धांधली हुआ। लगातार बिहार में कोई भी एग्जाम होने के बाद यहाँ शिक्षा माफियाओं के द्वारा नेताओं के संरक्षण में क्वेश्चन पहले आउट होता है, फिर रिजल्ट में धांधली किया जाता है। उसी का परिणाम है कि एसटीईटी की परीक्षा में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। जन अधिकार छात्र परिषद
मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरी हुई है और जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती है जनाधिकार पार्टी उनके साथ पूरी तन मन धन से खड़ी है और संघर्ष जारी रखेगा। जब तक इसका निष्पक्ष जांच न हो फिर से इनकी कॉपी जांच करते हुए जो भी छात्र इसमें पास पहले हो चुके हैं फिर उन्हें फेल कर दिया गया ये भी देखा गया है जो पहले पास है। सरकार एक तरफ कोरोना की महामारी में आप एग्जाम लिए और एग्जाम में आपने पहले कट ऑफ मार्क कहा गया कि सभी अभ्यर्थी को पास कर दिया गया है वह कहीं न कहीं नौकरी में लाभान्वित होंगे लेकिन किस परिस्थिति में फिर जब पुनः रिजल्ट परसों आया है कहीं न कहीं छात्रों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जाता है और यह रिजल्ट कहीं न कहीं गलत तरीके से शिक्षा मंत्री अपने खास साथियों के लिए अपने खास होटलों को लाभान्वित करने के लिए ये रिजल्ट प्रकाशित किया। शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं उससे ज़्यादा सीट और रिक्त बचे हैं और जितने भी पास हुए अभ्यर्थी सब उनको नौकरी दी जाए और जिन सेंटरों पर कदाचार के कारण परीक्षा कैंसिल हुआ था उसका परीक्षा परिणाम 21 जून को है और उसमें मेरिट लिस्ट में बहुत सारे धांधली देखने को मिली है जिनका रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उनका नाम मेरिट लिस्ट से गायब है। जैसे दो अभ्यर्थी 150-150 करके मार्क्स लाते हैं उनमें से एक का नाम प्रकाशित है एक का नाम छोड़ दिया गया है और यह कयास लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली की गई है शिक्षा मंत्री या शिक्षा के जो भी शिक्षा माफिया हैं इनके द्वारा बड़ी धांधली की गई है। जनाधिकार छात्र परिषद सरकार से मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जाँच कर जो भी अभ्यर्थी मेरिट के आगे है उन्हें जल्द से जल्द नौकरी देने का काम किया जाए अन्यथा जनाधिकार छात्र परिषद जनाधिकार पार्टी बड़े पैमाने पर आर पार की लड़ाई लड़ने को बाध्य होगी। PCN न्यूज के लिए पूर्णिया से अजित कुमार की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।